दोस्तों, मेरा नाम है शेर सिंह और मैं कर रहा हूँ भारत भ्रमण यात्रा, वो भी जीरो बजट पे। तो मेरी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग यात्रा नहीं कर पाते हैं उन लोगों को मैं बिना बजट के या फिर बहुत कम बजट में आप कैसे भारत घूम सकते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम लोग ये जो कर रहे हैं, मेरे साथ मेरा दोस्त जसपाल भी है, तो हम दोनों ये मिलकर यात्रा करते हैं। इस दौरान हम कम से कम बजट में, ज़्यादातर तो जीरो बजट में ही होता है, लेकिन कई बार इमरजेंसी में हम लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम ये फंड भी डोनेट करते हैं, उसे ले लेते हैं। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर ओंकारेश्वर मंदिर। तो मैं नागौर से रवाना हुआ था, ये लगभग 750 किलोमीटर दूर है नागौर से। 10 तारीख को रवाना हुआ था और मैं कल रात को पहुँचा, हमने मंदिर में जाके दर्शन तो कर लिए हैं। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के चारों ओर एक टापू बना हुआ है जिसके 7 किलोमीटर की एक परिक्रमा लगती है, जो लगानी बाकी है जो हम लगाएंगे। तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। और हम लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने का मिलेगा, तो आपको बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके थे नागौर से इंदौर के लिए। इंदौर में हमें जाना था ओंकारेश्वर मंदिर, और हाईवे पे निकलने के बाद हम इंतज़ार कर रहे थे अपनी पहली लिफ्ट की। और जैसे जैसे हम रास्ते पे जा रहे थे वैसे वैसे हमें पहली लिफ्ट मिल गई। और पहली लिफ्ट मिलने के बाद हमने उनसे थोड़ी बातें की, उनको थोड़े अपने बारे में बताया, और मेड़ता सिटी के लिए हमें ये लिफ्ट मिली थी और हम रवाना हो गए। और जैसे ही हम मेड़ता सिटी पर उतरे, कुछ 1 किलोमीटर चलने के बाद में हमें दूसरी लिफ्ट का इंतज़ार था, और हम बढ़ते जा रहे थे पैदल पैदल, और हमें ये तीसरी लिफ्ट भी मिल गई। और इन भाई साहब ने अपने बारे में कुछ बताया और हमने अपनी जर्नी के बारे में बताया। तो हमें पहुंचना था इंदौर सेम डे, लेकिन हम नहीं पहुंच पाए और हमने फाइनली उतर कर लिया चाय सुट्टा। चाय सुट्टे के बाद हमें मिली तीसरी और लिफ्ट। तीसरी लिफ्ट लेने के बाद में हम चल पड़े अपने गंतव्य स्थान की ओर, जहां पर हमें जाना था ओंकारेश्वर मंदिर, जो इंदौर में स्थित है। और हम चलते गए, इन्होंने हमें अजमेर तक लिफ्ट दी थी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से इनकी गाड़ी ख़राब हो गई और हम को कुछ देर के लिए रुकना पड़ा था। और ये इस तरह हम चलते गए, और चलने के बाद फाइनली हम बड़ी घाटी पुष्कर तक पहुंच गए थे। वहां पर हमें पहुंचने के बाद में थोड़ा सा कुछ लग रहा था कि कुछ सीन क्रिएट करना चाहिए दिखाने के लिए। तो ये बड़ी घाटी का जो आप सीन देख रहे हैं, ये बड़ी घाटी का सीन है। और फिर हम लोग काफ़ी देर चलने के बाद में इन्होंने ये जो रोड एंड नेशनल हाईवे की जो रोड्स बनती हैं, उनका ये ट्रक था। तो इन्होंने कहीं से टायर लिए थे गाड़ी के लिए, और टायर लेने के बाद में उन्होंने मुझे वहीं पर उतार दिया। और रात के 8 बज चुके थे और रात को लिफ्ट मिलना मुश्किल हो, और हम 10-12 किलोमीटर दूर थे अजमेर से। किसी तरह हमें लिफ्ट मिली और हम लोग पहुँच गए इंदौर। इंदौर पहुंचने के बाद हम लोग ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हुए। ओंकारेश्वर मंदिर में रवाना होने के लिए किसी ने हमें एक रास्ता बताया था जो शॉर्टकट मंदिर की तरफ जाता था, लेकिन गलती से हम लोग चले गए जंगल की तरफ। जंगल में इतना ही सुनसान एरिया, और शेर चीते बाघ बड़े बड़े जो खतरनाक जानवर हैं वो रहते हैं, और वहाँ पर किसी भी तरह का व्हीकल हमें नहीं मिल रहा था। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि यहाँ से कैसे हम लोग सर्वाइव करेंगे और कैसे निकलेंगे। लेकिन जैसे तैसे करके हम लोग नर्मदा ब्रिज के ऊपर पहुँच गए थे, जो ऊपर से देख जंगल आप देख ही रहे हैं कि कितना बड़ा जंगल है। नर्मदा नहर के और ब्रिज पर पहुँचने के बाद में जो हमें थोड़ा सा सुकून मिला कि अब डर ख़त्म हुआ जंगली जानवरों का। तो और ये नर्मदा नदी का ओवर ब्रिज है, और ये नीचे देख रहे हैं चारों तरफ जंगल है और बीच में नदी चल रही है। और नदी की ये आप देख रहे हो जो बहाव है, बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था। इतना तेज़ था कि मतलब उसकी जो आवाज़ है मुझे सुनाई।
होते हुए जाते हैं मंदिर की तरफ। तो अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम और दोनों साइड प्रसाद की दुकानें लगी हुई है। अगर प्रसाद कोई भक्त आता है बाबा का तो प्रसाद यहाँ से खरीद सकता है। और जेपी चौक से ही अंदर जाते हैं। ये देखिए जेपी चौक में अंदर आते हैं तो प्रसाद की दुकानें हैं दोनों साइड चारों तरफ। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे शिवलिंग और इनको नर्मदेश्वर शिवलिंग बोला जाता है। यहाँ पे ये देखिए अलग अलग पत्थर के, संगमरमर के, ब्लैक पत्थर, सभी तरह के शिवलिंग आपको मिल जाएंगे। अगर नंदी जी भी आपको लेना है तो नंदी जी भी मिल जाएंगे संगमरमर और ब्लैक के स्टोन के। चलिए मैं कुछ आगे और ले चलता हूँ आपके, थोड़ी सी आगे जाएंगे आप। और ये देखिए कितने बड़े बड़े शिवलिंग रखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर पूछते हैं ये लोग बनाते हैं शिवलिंग या फिर कहीं से लेकर आते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े शिवलिंग रखे हुए हैं। ये इनको कौन सा शिवलिंग बोला जाता है? नर्मदेश्वर। नर्मदा जी का निकला, ये नर्मदा नदी से निकाला गया है। तो ऐसी शेप में निकलता है या फिर इसको बनाते हैं? शेप ये निकलती है, इसको बस थोड़ा गोल कर देते हैं। ये शेप में निकलता है, इसको गोल कर देते हैं। तो ये इतना बड़ा पत्थर भी निकलता है? हाँ निकलता है ना, वो देखिए वो अर्धनारेश्वर है। अच्छा वो अर्धनारेश्वर, वो ऐसे ही निकला डिजाइन में या फिर बनाया है इसको? नहीं वही निकलता है, बस उसको गोल कर देते हैं, बाकी वही चीज़ें होती हैं। अच्छा तो ये दुकान है यहाँ पे और बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है यहाँ पे। और शिवलिंग आप देख ही चुके हो, ढोलक वगैरह सभी चीज़ें मिलती हैं इनके पास। जेपी चौक से जब हम आगे निकलते हैं और माँ नर्मदा नदी का पुल जो आता है उससे आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हो कि एक साइड पूरे भिखारी बैठे हुए और ये नर्मदा नदी का पुल है। इसको पार करने के बाद ही हम मंदिर की तरफ जाते हैं। और सामने आप देख सकते हो, अगर आपको विजिबल हो रहा होगा तो शंकराचार्य जी की मूर्ति आपको दिख रही होगी। और इस मूर्ति का उद्घाटन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान जी ने कराया है। तो ये अभी उद्घाटन हुआ है इसका और अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो चलते 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 चले जाते हैं और कुछ एक अलग ही व्यू देखने को मिलता है हमको। ये देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा साइड में ले चलता हूँ। ये जो है मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी माँ नर्मदा नदी, उसी के तट पर बसा हुआ है ओम कालेश्वर मंदिर। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये नाव है और कोई इसको कश्ती बोलता है, कोई इसको नाव बोलता है। और ये आपको दिख रहा होगा ये एक छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई, ये मंदिर पे जाने का रास्ता है। इससे ऊपर घुमावदार वाला रास्ता है, इससे अगर आप मंदिर से नीचे उतरोगे तो घाट पे आ जाओगे और घाट से ऊपर चढ़ोगे तो मंदिर पे पहुँच जाओगे। कितना प्यारा और कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का माँ नर्मदा नदी का। और इस नाव का जैसे अगर आप नाव में बैठ के माँ नर्मदा नदी में जाना चाहो, सैर करना चाहो, तो इसका 50 रुपये का किराया है अगर एक आदमी का। ये देखिए ऊपर पूरा पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ों पे ही बसा हुआ है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। बहुत ही इसका महत्व माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में। और ये देखिए बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं यहाँ पे, बहुत सारी धर्मशालाएं भी है। और ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा ये पुल है, अगर आप उस पुल से जाओगे ना तो उधर एक ममलेश्वर मंदिर है, तो उसका भी बहुत महत्व है वहाँ पर। और वहाँ पर भी लोग जाते हैं ममलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, वहाँ भी बहुत। और अगर आप इधर देखोगे तो इधर छोटे छोटे लगभग 4-5 घाट बने हुए हैं मंदिर के आसपास। एक तो मंदिर के पास भी आप जाके स्नान कर सकते हो, मंदिर से कुछ दूरी पर भी स्नान कर सकते हो, जगह जगह घाट बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाहो तो सबसे पहले आप माँ नर्मदा नदी में स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद जाइए आप मंदिर, और मंदिर में जाने के बाद आप नर्मदा नदी के बिल्कुल घाट पर आ चुके हैं। और घाट पर आते हुए मैं इस नाव में बैठ चुका हूँ और अब ये भाई मुझे यात्रा करवाएगा माँ नर्मदा जी। करवाओगे कि नहीं करवाओगे? कितने रुपए लोगे? 500 500 रुपये, चलो 5000 रुपये दूंगा यहाँ से लेके।
तो पूरी नदी की करवाऊँ परिक्रमा पक्का, चला लोगे? डूब गए तो क्या गारंटी है? अगर मैं डूब गया मेरी जान चली गई क्या गारंटी, गारंटी लोगे? अच्छा दोस्तों, गोताखोर को गोता लगाते हुए देखते हुए मेरा भी मन विचलित हो गया और मेरी भी इच्छा करने लगी माँ नर्मदा नदी में स्नान करने की। तो अभी मैं जा रहा हूँ माँ नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए। बोलो हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। दोस्तों मंदिर में बैग लेकर जाना अलाउ नहीं है और दुकानों पे ही कहीं रखना पड़ता है बैग का, या फिर मंदिर में जाएंगे अपन तो लॉकर है और लॉकर में लगता है पैसा, इसीलिए यहाँ पे बैग रख दिया है। और ये दुकान है जिस दुकान पे मेरा बैग रखा हुआ है और पीछे आप ये देख सकते हैं, ये दुकान है यहाँ पे मेरा बैग रखा हुआ है और ये बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ आप जूते चप्पल पहन के नहीं आ सकते, अगर कोई भाई आता है तो जूते चप्पल भी यहीं उतारना पड़ता है, बैग भी यहीं रखना पड़ता है। और अगर आप मंदिर में जाओगे ऊपर तो मंदिर में भी लॉकर है लेकिन उसका चार्ज लगता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर रखें और ये दुकान वाले भैया हैं। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से मेन गेट है मंदिर का। ये जब हम मंदिर की तरफ जाते हैं सीढ़ियों से चढ़ते हुए तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, इधर से घूम के उधर चले जाओ, इधर से घूम के उधर चले जाओ। घूमते घूमते हम मंदिर की तरफ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही हमको नज़र आता है मुख्य दर्शन द्वार। तो ये मुख्य दर्शन द्वार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे उल्टे हाथ तरफ होती है माँ नर्मदा जी और हम उससे आगे बढ़ते हैं, उससे आगे बढ़ते हम मंदिर की तरफ चले जाते हैं। मंदिर की तरफ हम चढ़ते चढ़ते सीधे पहुँच जाते हैं मंदिर के बहुत ही नज़दीक, जहाँ पर गर्भगृह है। गर्भगृह के नज़दीक पहुँचते पहुँचते घूमते घूमते और यहाँ पे बहुत सारी लाइनें लगी रहती है लेकिन अभी फ़िलहाल में इतनी सारी लाइन नहीं है, श्रद्धालु की जो भीड़ है वो बहुत कम है। सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल में इतनी भीड़ नहीं है तो दर्शन आराम से हो जाएंगे। तो अब बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ और ये देखिए यहीं पास में ही अगर आप देखोगे तो ये सबसे पहले आपको नज़र आएगा गणेश जी की मूर्ति, ये है गणेश जी महाराज। और इससे हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो ये लाइन में आप देखोगे और मुख्य जहाँ पे गर्भगृह है, गर्भगृह के सामने ही आपको देखने को मिलेंगे नंदी जी महाराज। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ नंदी जी महाराज, ये देखिए ये है नंदी जी महाराज। बोलिए श्री ओंकारेश्वर भगवान की जय, हर हर महादेव की जय। मंदिर में भगवान के दर्शन कर लिए मैंने, दर्शन मंदिर के परिसर में ही हूँ, मंदिर से बाहर निकल रहा हूँ। ये देख सकते हैं मंदिर के पीछे और ये देख सकते हैं मंदिर का आर्किटेक्चर कितना प्यारा है, बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ, महाकाल दरबार के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों फाइनली दर्शन करने के बाद हम मंदिर परिसर में अभी बाहर खड़े हैं, गर्भगृह से बाहर निकल चुके हैं, मंदिर परिसर में खड़े हैं। इस मंदिर की विशेषता जो है ये भगवान सिद्ध के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में स्थित है। ओमकारेश्वर नाम की एक जगह है और ओमकारेश्वर शिवलिंग के वजह से ही इस जगह का नाम ओमकारेश्वर पड़ गया। अगर आप कहीं से भी आना चाहो तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ जाइए और भोपाल से आप इंदौर आइए और इंदौर से ओमकारेश्वर जो है वो 70 किलोमीटर दूर है और
खंडवा जिला लग जाता है। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में जगह है ओंकारेश्वर, यहीं पर ये माँ नर्मदा की गोद में विराजमान है भोलेनाथ, और यहीं पे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। आप रुकना चाहो तो बहुत सारी धर्मशाला है यहाँ पे, आप कहीं भी रुक सकते हो यहाँ पे, और हर चीज़ यहाँ पे, हर ट्रांसपोर्टेशन में हर व्यवस्था यहाँ पे है। यहाँ तक बस भी आती है, टैक्सी भी आती है, ऑटो भी आते हैं। आप जहाँ से भी आओ, जैसे भी आओ, आराम से आ सकते हो, कोई आपको असुविधा नहीं होगी। बोलो ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।